हरिद्वार में नाबालिग बच्ची के साथ हुए रेप के बाद हत्या की घटना के मामले में कांग्रेस लगातार सदन से लेकर सड़क तक सरकार के खिलाफ मुखर हो चुकी है। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में आज कांग्रेस नेता सुमित हृदयेश के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार का पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेता सुमित हृदयेश ने कहा कि राज्य के अंदर कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, अपराधियों में पुलिस का भय खत्म हो चुका है। उत्तराखंड में अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में लगे हुए हैं। काठगोदाम में भी युवक की हत्या हो गई, लेकिन पुलिस अभी तक अपराधियों से बहुत दूर है। पुलिस पूरी तरीके से कुंभकर्णी नींद सोई हुई है। राज्य के अंदर त्रिवेंद्र सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन सारे वादे खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। ऐसा फैला हुआ है, निडर होकर अपराधी अपराध कर रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची के साथ जो हरिद्वार में दुष्कर्म हुआ, उसके अलावा काठगोदाम क्षेत्र में गोली मार के एक युवक की हत्या कर दी गई, तो शांति प्रिय इलाके ये हैं सारे, और ऐसी वारदातें हो रही है और पुलिस सोई हुई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और भाजपा जिन मुद्दों के सहारे सत्ता को पाने में इन्होंने लुभाया था वोटरों को कि हम सुरक्षा देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, न्याय दिलवाएंगे, आज उन्हीं मुद्दों पर ये फेल होते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए इनका पुतला दहन होना भी बहुत जरूरी है, पुलिस को जागना भी बहुत जरूरी है। मित्र पुलिस नागरिकों के लिए बने तो अच्छी बात है, अगर अपराधियों को लगेगा मित्र पुलिस है तो उत्तराखंड राज्य में बहुत बुरा हाल होने वाला है।